बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कानून और आवाम के हवाले से हम अपनी बात करते हैं। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000, प्रोविजंस एप्लीकेबल टू इंश्योरर। तो जनाब, ये सेक्शन 5 है, पर्संस एलिजिबल टू ट्रांजैक्ट इंश्योरेंस बिजनेस। कौन सी बॉडीज जो हैं वो इंश्योरेंस का कारोबार कर सकती है। आफ्टर द कमेंसमेंट डेट नो पर्सन अदर देन, ये जब कानून का इतला किया गया है तो उसमें अ पब्लिक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी इंश्योरेंस का काम कर सकती है। अ बॉडी कॉरपोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉज ऑफ पाकिस्तान नॉट बीइंग ए प्राइवेट कंपनी और द सब्सिडरी ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। तो ये प्राइवेट कंपनी नहीं ये बिजनेस कर सकती, ये कॉरपोरेट जो है वो जो जिसकी तश्कील जो है वो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक हुई हो सिर्फ वही कर सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर सकती है। तो जनाब, ये हमें बता रहा है कि ये जो बिजनेस कर सकते हैं इंश्योरेंस का, उसका आगे जनाब जिक्र होता है। सेक्शन 5 का सब सेक्शन जो 2 है, पहला हमने सेक्शन 5 का सब सेक्शन 1 पढ़ा है, 2 में कहते हैं आफ्टर द कमेंसमेंट डेट नो पर्सन अदर देन एन एलिजिबल पर्सन और द ब्रांच ऑफ ए बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन एनी ज्यूरिसडिक्शन आउटसाइड पाकिस्तान विच इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस वॉज रजिस्टर्ड टू कैरी ऑन एंड वॉज कैरिंग ऑन सच बिजनेस इन पाकिस्तान शैल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम सच कमेंसमेंट कंटिन्यू सच बिजनेस। यानी कि जिस बिजनेस ने भी जो ये जब ऑर्डिनेंस आ गया है और वो इसके दरमियान जो जो इस कानून के तहत रजिस्टर्ड होगा, वाज रजिस्टर्ड टू कैरी ऑन एंड वाज कैरिंग ऑन सच बिजनेस इन पाकिस्तान, ये जो इस के तहत रजिस्टर्ड होगा वही काम कर सकेगा, या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे। तो ये जनाब इसकी वो लोग जो इसके एलिजिबल हैं उसके हवाले से बात थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।